निशानी सिद्धांत को सबक सिखाने और उसकी गतिविधि के खिलाफ शिकायत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। निशानी को शक है कि सिद्धांत संजीवनी में भ्रष्टाचार फैला रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। निशानी अंजलि को इसके बारे में बताती है, लेकिन वह उसे नहीं सुनता है और उसे अपनी सीमा में रहने के लिए कहता है। जहां निशानी सबसे बड़ी गलती करती है, जहां वह डॉक्टर वर्धन तक पहुंचती है, वर्धन हमेशा सिद्धांत के खिलाफ होता है। वर्धन अब सिद्धांत को चुनौती देता है कि वह जल्द ही उसे उजागर करेगा और उसे संजीवनी से निकाल देगा। वर्धन सिद्धांत के खिलाफ इस अवसर का उपयोग करने के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा। वर्धन निशानी को सिद्धांत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर जूही डॉक्टर शशांक का इलाज करने और अपनी जान बचाने के लिए संजीवनी के पास वापस आ गई है। डॉक्टर शशांक खुश है कि जूही उस पर काम करने जा रही है। जूही ने किसी तरह खुद को यह सब करने के लिए राजी किया। जूही को पता है कि यह एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। शशांक को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा और इससे पहले उसे बनाने की एक बड़ी घोषणा होगी। शशांक सभी को बताता है कि अगर वह ऑपरेशन थिएटर से वापस जिंदा नहीं लौटेगा तो वह चाहता है कि डॉक्टर जूही संजीवनी में अपना स्थान ले ले। जूही ने ऐसा करने से मना कर दिया, जबकि वर्धन और अंजलि उस पर भड़क उठे। और इधर शशांक ने जूही से वादा करने के लिए कहा और उसके बाद ही वह इस ऑपरेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर शशांक की बीमारी ने डॉक्टर जूही को संजीवनी वापस दिला दी और यहाँ शशांक ने जूही से संजीवनी के लिए माफी मांगी। जूही अपनी जान बचाने के लिए शशांक का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गई, जबकि ऑपरेशन से पहले शशांक ने एक शर्त रखी। शशांक ने खुलासा किया कि अगर वह ऑपरेशन के बाद वापस जिंदा नहीं लौटेंगे तो डॉक्टर जूही संजीवनी का कार्यभार संभालेंगे। जबकि डॉक्टर जूही इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन शशांक के इलाज से इनकार करने के कारण वे अपनी बात पर अड़े रहे। डॉक्टर जूही एक वादा करता है और पदभार ग्रहण करेगा, क्योंकि डॉक्टर शशांक ऑपरेशन थिएटर से बाहर जीवित लेकिन कमजोर अवस्था में निकल जाएगा।